सो गुड आफ्टरनून एवरी वन वी आर इन द सेकेंड क्लास इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द डेफिनेशन्स अगर हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग के एक्ट के प्रोविजन्स को उतने बढ़िया तरीके से समझ में आना बहुत मुश्किल है क्यों मैं बता रहा हूँ जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पर्सन अगर एक आम आदमी को बोला जाता है कि वॉट इज पर्सन तो वो बोलेगा इंडिविजअल राम श्याम घनश्याम बट एक्चुअली में पर्सन का मतलब क्या होता है एक इंडिविजुअल से ज्यादा होता है इट इंक्लूड्स कॉरपोरेट्स ऑल्सो इट इंक्लूड्स फॉर्म्स ऑल्सो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल ऑल्सो ठीक है लिविंग बींग नॉन आर्टिफिशियल दोनों इंक्लूड करता है ठीक है तो सेक्शन टू गिव्स डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स एंड एक्सप्रेशन यूज देयर इन इफ ए पर्टिकुलर डेफिनेशन इज गिवन इन द एक्ट इट सेल्फ वी हैव टू बी गाइडेड बाई दैट डेफिनेशन मतलब किसी वर्ड का अगर डेफिनेशन दिया हुआ है इस एक्ट के अंदर में तो उसका मतलब यही होता है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब यही होता है लेकिन अगर किसी वर्ड का जनरल मतलब दिया हुआ है तो जो डिक्शनरी मीनिंग होगा अपने उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे अगर कोई वर्ड का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है तो रेफरेंस टू द जनरल क्लॉजेज ठीक है सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं असैसी का मतलब क्या होता है अच्छा हमको एक बात बताओ गंगा जल में नहाने से क्या होता है गंगा जल में नहाने से क्या होता है गंगा जल में अगर मैं नहाता हूँ तो क्या बोला जाए हिंदी प्रभव है कि गंगा जल में नहाने से ऐसा होता है बोलते शुद्ध जाते पाप धुल जाता है पीपल से पाप धुल जाता है अच्छा कुछ लोग तो पूरा दस ग्यारह बार डुबकी लगाते हैं। कुछ लोग तो 10-11 बार डुबकी लगाते हैं लेकिन कुछ लोग खाली छीटा भी दे देते हैं ठीक है थोड़ा सा छीटा दिया हो गया हम लोग पूजा करते हैं तो गंगा जल पहले थोड़ा सा छीट देते ताकि जगह शुद्ध हो जाए तो एस में क्या बोल रहा है कोई भी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट किसी भी वजह से किसी भी प्रोविजन के अंदर किसी भी इंसान को अगर टैक्स का पेमेंट करना है रुपया मैटर नहीं करता इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी एनी सम ऑफ मनी इज पेवल अंडर दिस एक्ट तो वो क्या बन जाता है असेसी तो मैं बोल सकता हूं एवरी असेसी इज अ पर्सन बट द रिजर्व इज नॉट ट्रू एवरी असेसी एसी इज अ प बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट पैसा का बात छोड़ दो कोई प्रोसीडिंग चल रहा है कोई केस चल रहा है उसके इनकम के ऊपर में इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन मतलब क्लबिंग का बात बोल रहा है यहां पर लॉस जहां इनकम आता है वहां लॉस भी आएगा रिफंडेबल यहां था पेबल मान लो मैंने अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरा मेरे को सरकार से रुपया रिफंड लेना है मेरा टैक्स का लाइबिलिटी जीरो है फिर भी मेरा किसी तरीके से सरकार को मैंने पेमेंट किया टैक्स का तो मेरे को तो वो पैसा वापस लेना है बिकॉज मेरा टैक्स लाइबिलिटी क्या है नील लेकिन मैंने तो सरकार को ऑलरेडी पेमेंट करके रखा है तो मैं एस एस सी बन जाऊँगा तो मैं क्या बोला एवरी पर्सन इज़ नॉट एन एस एस सी एवरी एस एस सी इज़ अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ एस एस सी नेक्स्ट इज असेसमेंट आप परीक्षा देते हैं हाँ या ना आप परीक्षा देते हैं हाँ या ना जल्दी बोलिए आप परीक्षा देते हैं परीक्षा आप जब दे देते हैं उसके बाद क्या होता है आपके साथ में हुँ? रिजल्ट और मार्क्स के बीच में है पर... रिजल्ट और परीक्षा के बीच में क्या होता है आपका असेसमेंट ठीक है दिस इज द प्रोसेस बाय विच द इनकम ऑफ एन इज डिटरमाइंड मतलब आपने रिटर्न भर दिया है अब उसका असेसमेंट होगा कि आपने जो डिटेल्स फिट इन किए हैं वो सही है या नहीं है वो सही है या नहीं है नेक्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है देखो ध्यान से इंडिविजुअल आता है एचयूएफ मतलब ज्वाइंट फैमिली कंपनी फर्म एपी बी लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन मेरे को समझाने का ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सॉरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स आर द मेंबर्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी लिमिटेड प्लस सी एंड डी एसोसिएट्स इज इक्वल्स टू एओ पी जब मोर देन वन फॉर्म ऑफ पर्सन कम्स टूगेदर दैट इज एओपी वेन ओनली इंडिविजुअल्स कम टूगेदर दैट इज बी ओ वाई ठीक है अगर मैं इंडिविजुअल का अगर मैं इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लू तो वॉट इज इंडिविजुअल एग्जाम्पल राम श्याम घनश्याम ए बी सी लिविंग बीइंग्स एच यू एफ इज ज्वाइंट फैमिली एच यू एफ का हेड कौन होता है करता कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर सी ई ओ फर्म में पार्टनर्स लोकल ऑथॉरिटी का भी सेम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वॉट इज दिस आर्टिफिशियल जुडिडिशियल पर्सन बोलता है इन सब में जो फॉल नहीं करता है वो ए जे पी बीजेपी नहीं ए जे पी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ठीक है चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल का मतलब खाली क्या होता है नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इट ऑल्सो इंक्लूड माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड माइनर मतलब क्या हो गया जगिया आनंदी माइनर अनसाउंड माइंड गजनी आमिर खान तेरे नाम सलमान खान बट द असेसमेंट इन द सच अ केस मे बी मेड इसको बोला जाता है ये क्या है अगर किसी भी किताब में अगर आप ये देख रहे हैं ऊपर ये वन लिखा हुआ ये क्या है किसी भी किताब में अगर आप ये ऊपर वन लिखा हुआ देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ दैट इज फुट नोट इसको क्या बोला जाता है फुट नोट दैट इज फुट नोट ठीक है और जो टेबल्स के नीचे ग्राफ्स के नीचे जो वैल्यू रहता है दैट इज सोर्स नोट दैट इज सोर्स नोट ठीक है मेड मे बी मेड ऑन द गार्जियन और मैनेजर ऑफ द माइनर और लुनाटिक हुइ एंटाइटल टू रिसीव इज इनकम जैसे गजनी में आमिर खान पागल हो जाता बीच में तो उसका कंपनी कौन संभाल रहा था रेस्पॉन्सिबल आदमी साइन करवाता था समझाता था उसको इनकेसिज पर्सन रिप्रेजेंटेटिव होता है legal representative. Deceased person में कौन आता है? Legal representative आता है? अब HUF में तब फैमिली में तब फैमिली बोलते है। अब में <coughs> मतलब मेरे विवेक पटवारी और विवेक पटवारी एच यू एफ दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है दोनों सेम नहीं है और इसका जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको करता बोलते हैं एच यू एफ का जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको क्या बोलते हैं करता बोलते हैं एंड ये बाई बर्थ होता है एच यू एफ में कोई डेफिनेशन नहीं है हिंदू लॉ एज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स एंड देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स अच्छा सन का नाम क्यों नहीं लिया क्योंकि ऑल मेल्स तो आ ही गया अगर मेरे दादाजी ने एच बनाया है तो दादाजी के एच में दादाजी और दादी उसके ऊपर नहीं तो मेरे पापा का नाम पवन कुमार पटवारी है तो पवन कुमार पटवारी एच में मैं मेम्बर बन सकता हूं बट विवेक पटवारी एच में पवन कुमार पटवारी एच नहीं बन सकते क्योंकि ऑल मेल्स लीनियली डिसेंडेंट नीचे की तरफ मेरे से ऊपर मेरा बाप उससे ऊपर मेरा दादाजी मेरे से नीचे बेटा पोता पर पोता ठीक है इसीलिए बोला गया ऑल मेल्स लीनियली डिसेंडेड और उनके वाइफ्स तो बेटा बहू आ गया हम और मेरी बीवी आ गए ठीक है अब बचा कौन बेटी ठीक है बुरा मान जाएगी ऐसी बुरा मान जाती लोग कहते बेटी तो पराया धन है ना गलत बात एच में बेटियों का भी हक होता है लेकिन एक बात याद रखना जीजा जी नहीं आएंगे डॉटर्स एंड देयर हस्बैंड नहीं बोला है, ओनली डॉटर तो जीजा जी नहीं आएंगे जी को बोल देना एच में जीजा जी नहीं आएंगे सम मेंबर्स ऑफ द एच ई एफ आर कॉल्ड को पार्सनर्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हेड ऑफ द फैमिली एच ई एफ में कंटेन मेनी मेंबर्स बट मेंबर्स विद इन फोर डिग्रीज इंक्लूडिंग हेड ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को पार्सनर्स अ हिंदू को पार्सनरी इंक्लूड दो अक्वायर एन इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ अ डॉटर ऑफ को पर्सनर बाय बर्थ शैल बिकम अ को पर्सनर इन अर ओन राइट द सेम मैनर एज द सन लेकिन वाइफ या डॉटर इन लॉ ऑफ को पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर मतलब बीवी आई तो उसका हक मेरे प्रॉपर्टी में नहीं आएगा बेटा या बेटी आई तो बाई बर्थ वो प्रॉपर्टी में हिस्सा एच यू एफ की प्रॉपर्टी में हिस्सा उसका बन जाता है ये जो यहां बोला गया ना इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ माइनर और पर्सन ऑफ अंसॉलमेंट बट दसेसमेंट इन सच अ केस मे बी मेड मेड ये ये जो असेसमेंट होगा किस सेक्शन के अंदर होगा सेक्शन वन सिक्सटी वन सेक्शन वन के अंदर में होगा दो स्कूल हैं हिंदी लॉ का एक दया बागा और एक मिताक्षरा दया इज इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम और मिताक्षरा इज रेस्ट ऑफ इंडिया दया बागा में क्या बोल रहा है नोबडी एक्वायर्स द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग जब तक करदा जिंदा है ऐसा नहीं होगा ठीक है और मिताक्षरा में तुरंत हो जाता है तो यहाँ पे चिल्ड्रेन को इंक्लूड किया जाता है फादर एंड हिज ब्रदर्स वुड बी द को पार्सनर ऑफ द एच यू एफ ठीक है कंपनी जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है कंपनी का वो तो लेना ही अपने को और इंडियन कंपनी मतलब

ठीक है फर्म पार्टनरशिप फर्म एल एल पी अ पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हू हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट म्यूचुअली ऑन बिजनेस कैरिड बाई देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पर्सन द पार्टनरशिप विद वन अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड क्यूमुलेटिवली इट इज नोन एज अ फर्म देखो दो चीज आ गया फर्म इंक्लूड्स एल एल पी ऑल्सो ठीक है तो जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ नोट करो सबसे पहले तो ये वाला चीज़ तुम लोग ये डायग्राम ऐसे ही बना लो एज़ इट इज़ फिर जो जो, जो चीज़ होगा बगल बगल में लिखवा देंगे ये डायग्राम एज इट इज़ बना लो फिर जो भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा वो लिखवा दिया जाएगा ठीक है तो इंडिविजुअल में लिख लो ओनली ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल में लिख लो ओनली ह्यूमन बीइंग एच यू एफ का मतलब ज्वाइंट फैमिली होता है और फॉर्म में लिखेगा इंक्लूडिंग एल एल पी ऑल्सो फॉर्म में लिखेगा इंक्लूडिंग एल एल पी ऑल्सो फॉर्म में लिखेगा इंक्लूडिंग एल एल पी ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में लिखो मिस्टर विवेक प्लस एक्स वाई एन कंपनी ब्रैकेट में फॉर्म प्लस ए आई प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में कंपनी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एओ पी बी ओ आई में एग्जाम्पल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका एग्जाम्पल है म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स क्लब एक्सेट्रा म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स क्लब एक्सेट्रा अब मान लो कोई भी क्लब होता है उसमें तो मेंबर्स इंडिविजुअल मेंबर्स बनते हैं ना तो इट्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स लोकल अथॉरिटी से केएमसी हो गया कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई भी म्यूनिसिपल कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर और एजीपी का एग्जांपल तो ये रहा कोई भी यूनिवर्सिटी बार काउंसिल डाइटीज ठीक है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इनकम का डेफिनेशन सेक्शन टू क्लॉस ट्वेंटी फोर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम एओपी इज बेसिकली मोर देन वन परसेंट इन्वॉल्व मोर देन वन परसेंट जब मैं बोल रहा हूं जो है था दैट इज एक इंडिविजुअल हो गया एक कंपनी हो गया एक फर्म हो गया मतलब मोर देन वन कैटेगरी ऑफ पर्सन इज इन्वॉल्व इन एओपी पी वेर एज इन बॉडी ऑफ इंडिव्यूजुअल ओनली वन कैटेगरी ऑफ पर्सन दैट इज इंडिविजुअल्स इंसानों का समूह दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्सन है या दो पर्सन है एक कंपनी आ गया दैट इज एसोसिएशन ऑफ ठीक है क्या बोला है ध्यान से सुनो इनकम स्टार्ट इनकम स्टार्ट होता है विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स इनकम स्टार्ट किससे होता है इनकम स्टार्ट किससे होता है विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स इसका मतलब यहां जो जो बोला है वो तो इनकम है ही इसके अलावा जनरल मीनिंग में भी जो इनकम आता है उसको इनकम माना जाता है देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में यह भी कहा था सारा बैंक अकाउंट का क्रेडिट इनकम नहीं होता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ठीक है मैंने क्या कहा इनकम का जो डेफिनेशन है इट स्टार्ट विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स इसका बोलने का मतलब क्या हुआ इसका बोलने का मतलब है कि यहां जो जो चीज है वो तो है ही इसके अलावा भी इनकम में जो जनरल पार्लेंस में जो इनकम बोला जाएगा वो है लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास में यह भी समझाया था आपको ठीक है कि बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है सारा क्रेडिट इज नॉट एन इनकम अगर मेरे को इस आदमी ने लोन दिया है तो मेरे अकाउंट में तो क्रेडिट दिखाएगा बट टेकिंग लोन फ्रॉम एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन इनकम ठीक है तो क्या क्या है देखो प्रॉफिट एंड गेन्स डिविडेंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव बाई ए ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज एनी परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी परक्यूजिट का मतलब घर दे दिया फ्री में गाड़ी दे दिया फ्री में ड्राइवर नौकर नौकरानी सब फ्री में दे दिया है। एनी स्पेशल अलायस और बेनिफिट अदर देन पर स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू द असेसी टू मीट एक्सपेंसेज होल्ली ने एक्सक्लूसिवली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और इंप्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट अलाउंस का बात करा हम लोग जब सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आएगा कि अलाउंस और परक्ूजिट में डिफरेंस क्या होता है पर्सनल खर्चा के लिए दे रहा है कोई भी बेनिफिट कोई भी परक्ूज़िट डीम्ड प्रॉफिट पीजीबीपी पी कैपिटल गेन ये ये तो दोनों चैप्टर का नाम है द प्रोफिट एंड गेंस ऑफ एनी इश्योरेंस बिजनेस कैरिड ऑन बाई म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाई मतलब बोलता है प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस भी इनकम का पार्ट है बैंकिंग बिजनेस भी इनकम का पार्ट है जो आप लोग जुआ हुआ खेलते हैं ऑनलाइन रमिंग वगैरह जो खेलते हैं पेटीएम ड्रीम खेलो सब वो सब आ गया पी एफ ई एस आई कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक है ये सब एक्चुअली चैप्टर्स का पार्ट है इसको बस स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया है जब आप कैपिटल गेन पढ़ोगे ना आपको ये दोनों चीज मिलेगा ये अदर सोर्सेस में मिल जाएगा आपको तो ये जितना भी पॉइंट है ना ये उस फाइव हेड्स ऑफ इनकम में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कवर्ड जितना भी पॉइंट है हमको 10 से 11 पॉइंट याद रखना है कल को थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो हम लिख पाए ठीक है अब रेगुलर रिसिप्ट वॉज इज कैजुअल रिसिप्ट जरूरी है हर दिन मेरे को एडमिशन मिलेगा क्या हो सकता है हम बहुत बड़ा टीचर बन जाएंगे बहुत लाइन लग रहा है मेरे पास पढ़ने के लिए तो पहला दिन यह एडमिशन फुल हो जाएगा उसके बाद तो हम एडमिशन नहीं लेंगे फिर छह महीना बाद तो मेरा इनकम इन जनरल का मतलब होता है पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न बट ये लोग कैजुअल रिसिप्ट को भी इनकम मानता है जैसे लॉटरी का इनकम हो गया कार्ड गेम्स हो गया रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल तो रेवेन्यू को इनकम माना जाता है लेकिन कैपिटल रिसिप्ट को जनरली इनकम माना नहीं जाता है एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ कैपिटल गेन नेट या ग्रॉस इनकम का मतलब नेट रिसिप्ट होता है ग्रॉस नहीं होता है लेकिन किसी किसी केस में ग्रॉस अमाउंट पे टैक्सेबल होता है जैसे लॉटरी लॉटरी में लॉटरी का टिकट का खर्चा माइनस नहीं होता है जितना तुम लॉटरी का अमाउंट जीता मान लो हम नब्बे हज़ार का लॉटरी खेल के एक लाख रुपया जीते तो मेरे को नेट में फ़ायदा कितना का हुआ दस हज़ार का हुआ तो सरकार हम पे टैक्स एक लाख रुपया के ऊपर ही लेगा तो अल्टीमेटली मेरे को नुकसान हो गया बीस हजार रुपया का मेरे को नुकसान हो गया बीस हजार रुपया का फिर से मैं समझा रहा हूँ मैंने नब्बे हजार का लॉटरी का टिकट खरीदा और मेरे को एक लाख रुपया आया तो नेट पे मेरा प्रॉफिट कितना है दस हजार लेकिन सरकार इस एक लाख के बदले मेरे से तीस हजार रुपया टैक्स मांगेगी कि लॉटरी पे तो कंपलसरी टैक्स है थर्टी पॉइंट समथिंग परसेंट माइनस करो दस हजार नेट पर तुम्हारा नुकसान है तो ऐसा गधापंथी वाला चीज कभी मत करना समझा बहुत लोग धोता होगा कि सेवन अप में भी लगा दिया सेवन डाउन में भी लगा दिया ठीक है एक एक लाख रुपया लगा दिया चीज समझना मैं जो बोल रहा हूँ सेवन अप में भी लगा दिया और सेवन डाउन में भी लगा दिया अब उसको सेवन अप आ गया तो दो लाख रुपया वो जीत गया तो उसको जो तो टैक्स तो भरना है ना उसको जो तो टैक्स भरना है दो लाख जीता क्योंकि वो जुआ खेल के डी यू आर रिसीप्ट किसी किसी केस में हम लोग देखेंगे डी यू होता है किसी किसी में हम लोग देखेंगे रिसिप्ट होता है ठीक है जस्ट रीडिंग करना है मैं पी डी एफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में जस्ट सिंपली रीड करना है इसको अब इंडिया में क्या क्या आता है देखो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एज पर आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका टेरिटोरियल वाटर सी बेट सबसॉइल कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन बोलता है बारह नॉटिकल माइल तक इंडिया है जो बेस लाइन है ना वो बेस लाइन का इंडिया का बेस लाइन से बारह नॉटिकल माइल तक इंडिया होता है जितना भी नीचे चला जाओ और जितना ऊपर चला जाओ बहुत बार मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा बहुत बार मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा कि मेरा एयर स्पेस वायलेट किया है <coughs> भारत को नहीं मिली मंजूरी पाकिस्तान के ऊपर से हवाई जहाज़ ले जाने की अच्छा मान लो इंडिया यहाँ है पाकिस्तान यहाँ है और मान लो पाकिस्तान के इधर में एक कंट्री है अब इंडिया से वहाँ जाना है हमको अगर पाकिस्तान अपना एयर स्पेस अलाउ नहीं करता है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा घूम के जाना पड़ेगा घूम के जाएगा तो किलोमीटर ज़्यादा होगा किलोमीटर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा बट वही रूल है तो जहां हम खड़े हैं ये भारत है इसके जितना भी नीचे जाओगे वो भारत है जितना भी ऊपर चला जाओ वो भारत है ठीक है इसीलिए आप जब कैलकाटा से दिल्ली जाते हवा में उड़ के आप इंडिया में ही रहते हैं क्योंकि आप भारत में ही हैं देर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तुमको देखते क्या आप तुमको हम नहीं समझाएंगे अगर मान लो तो प्रीवियस ईयर को का मतलब क्या होता है वॉट इज प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू यू गलत टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर होता है टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब करेंट ईयर होता है टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब करेंट ईयर होता है हम लोग का करेंट ईयर है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री हम लोग का करेंट ईयर है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और असेसमेंट ईयर होता है बारह महीना ठीक प्रीवियस ईयर के बाद तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री असेसमेंट ईयर है फर्स्ट अप्रैल 2023 से थर्टी मार्च 2024 टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर है टैक्स ईयर में प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर है प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 12 महीना का हो सकता है असेसमेंट ईयर भी मैक्सिमम 12 महीना का हो सकता है असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल अब तुम लोग याद कर लेगा असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल बोलो असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम गलत गलत प्रीवियस ईयर तो उसी दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन तुम बिजनेस स्टार्ट किया है अगर हम साल के बीच में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर फर्स्ट अप्रैल कैसे स्टार्ट होगा असेसमेंट ईयर हमेशा फर्स्ट अप्रैल प्रीवियस ईयर कोई भी दिन से शुरू हो सकता है ठीक है देखो वही बोला एग्जाम्पल में पढ़ू एग्जाम्पल में वही बोला है कुछ लिखा तो सोच समझ के लिखा होगा असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम लेकिन प्रीवियस ईयर पढ़ लो इसको फटाफट हुआ अब दिस आर द फॉर्म्स ऑफ अनडिसोर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम एक एक करके कर करें हम लोग डिस्कस करेंगे कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द असेसी एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ़र्ड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज हैज इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर बोले बाबू ये पांच लाख रुपया क्रेडिट हुआ ये क्या है तुम चुप है तुमको पता है कि यह तुम तीन पांच कर दिया इनकम टैक्स तुमको लगा इनकम टैक्स वाला पकड़ेगा नहीं तुमको तुम पांच लाख रुपया हाइड कर दिया इनकम टैक्स है इनकम टैक्स वाला आके बोला पकड़ लिए पांच लाख का फिगर को बोला इस पांच लाख का सोर्स बताइए आप ठीक है Where the sum so credited consisted of loan or borrowing or any such amount by whatever name called, any explanation offered by the assessee in whose books such sum is credited shall not be deemed to be satisfactory unless the person in whose name such credit is recorded also offers an explanation why such so sum is credited and in the opinion of assessing officer has found to be satisfactory. ठीक है फर्दर एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी नोट कर लो क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी और ये रेसिडेंट कंपनी के लिए है। द पर्सन बीइंग रेसिडेंट ये जो एडिशनल कंडीशंस है ये अप्लाई नहीं करेगा वेंचर कैपिटल फंड के केस में और वेंचर कैपिटल कंपनी के केस में जो कि सीबी से रजिस्टर्ड है अब कैश क्रेडिट में तो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है डेबिट वेर इन इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली द असेसमेंट ईयर मतलब इसका मतलब क्या हुआ किसका बात कर रहा है लाइन को दो तीन बार पढ़ो और बोलो किसका बात कर रहे है ये लाइन को दो तीन बार पढ़ो और बोलो किसका बात कर रहा है क्या बोल रहे हैं ये तो प्रीवियस ईयर का बात कर रहा है सीधा सा बात है हम इन्वेस्टमेंट किए हम बता ही नहीं पा रहे हम कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं रिकॉर्ड ही नहीं है अनएक्सप्लेन मनी मतलब सोना पड़ा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पार्शली डिस्क्लोज है खर्चा का एक्सप्लेनेशन नहीं है डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूफ नहीं है तो ये सब में 100 बीबीई लगता है क्या लगता है सेक्शन 115 बीबी तो तुम खाली नाम नोट कर लो ये छह नाम में क्या लगेगा 115 बीबी section 115 BBE is applicable. अब जनरल रूल क्या बोलता है फर्स्ट क्लास जो लोग देखा होगा ये सुना होगा या आया होगा क्लास में प्रीवियस ईयर में कमाओ असेसमेंट ईयर में टैक्स भरो प्रीवियस ईयर में मेरा काम सिर्फ पैसा कमाने का उस जितना पैसा प्रीवियस ईयर में कमाया है उस बेसिस पे टैक्स पेमेंट करना असेसमेंट ईयर में लेकिन ये पांच ऐसा केस है सरकार बोलती है कि आप जैसे ही जैसे ही आपको आपके जेब पे रुपया मिलेगा आप हमारा रुपया हमको अभी दीजिए अभी 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 चाहिए मेरे को मेरे बीस लाख अभी चाहिए मेरे को ठीक है जनरल रूल क्या है वॉट इज द जनरल रूल इनकम अर्ड इन प्रीवियस ईयर दे आर अलाउड टू पे टैक्स इन द इनकमांड इन प्रीवियस ईयर अलाउड टू पे टैक्स इन द इनकमांड इन प्रीवियस ईयर अलाउड टू पे टैक्स इन द असेसमेंट ईयर ठीक है शिपिंग बिजनेस पर्सन लिविंग इंडिया Only for one particular event, likely to transfer property to avoid tax, discontinued business. Okay, बोलता है सेक्शन फोर इज द चार्जिंग सेक्शन सेक्शन फोर इज चार्जिंग सेक्शन टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट्स प्रेस्क्राइब बाय द एनुअल फिनेंस एक्ट एवरी स्पेसिफाइड पर्सन टोटल इनकम ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब 22 तेईस में जो लोग कमा रहे हैं ना उसका टैक्स रेट अभी जो निर्मला सीताराम जो फिनेंस बोली एक फरवरी को वो डिसाइड होगा बट हम लोग एग्जाम में फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी टू फॉलो करेंगे बट एक्चुअली में रियल लाइफ में फिनेंस एक्ट ट्वेंटी थ्री फॉलो होगा ठीक है आज हम लोग इसको यहां तक रखेंगे तो आज का क्लास एक बार ओवरव्यू लेंगे हम लोग सबसे पहले आज हम लोग क्या करें वी हैव स्टार्टड विद द डेफिनेशन राइट वी स्टार्टिड विद द डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग क्या सीखे हैं कि भैया देखो जिसका मतलब बताया हुआ है ठीक है जिसका नहीं बताया बताया हुआ है वो जनरल क्लॉज ऑफ द डेफिनेशन में हम लोग लेंगे असैसी मतलब गंगा जल याद रहेगा ठीक है केवल पेबल नहीं रिफंडेबल भी होता है असेसमेंट मतलब परीक्षा दे दिया रिजल्ट निकलने के बीच में क्या होता है चेकिंग उस चेकिंग को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट पर्सन में क्या क्या है इंडिविजुअल एच यू एफ कंपनी फर्म ए ओ पी लोकल अथॉरिटी एजेपी सबसे इम्पोर्टेंट क्या था ए ओ पी और बी ओ आई का डिफरेंस फर्म में एल एल पी भी आता है और कंपनी में सब टाइप का कंपनी आ गया इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट सब आ गया ठीक है अच्छा एच यू एफ में समझा दिया डिफरेंस ऑल मे लीनियर का जीजा जी नहीं आएंगे दो स्कूल है हिंदू लॉक का दया भागा मिताक्षरा दया भागा कहाँ है वेस्ट बंगाल एंड आसाम मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया दया भागा में बाई बर्थ नहीं मिलता है ठीक है ये हो गया फॉरेन कंपनी ठीक है पार्टनरशिप में एल आएगा ए का एग्जाम्पल लिखा दिए बी का एग्जाम्पल लिखा दिए डिफरेंस लोकल अथॉरिटी में कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये सब आ गया आर्टिफिशियल में जो चीज़ ऊपर में नहीं आया वो चीज़ एजेपी इनकम का डेफिनेशन में जो सब दिया हुआ है वो तो हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ ही लेंगे इसके अलावा भी कुछ छूट जाता है तो वो इनकम के डेफिनेशन माना जा सकता है क्यों क्योंकि इनकम का जो डेफिनेशन है इट स्टार्ट विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स इसका मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन नॉट एन एग्जॉस्टिव वन कभी खुशी कभी गम में के थ्री जी को हम बोलते हैं उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है नंदनी बस कह दिया ना कह दिया मतलब एग्जॉस्टिव जो बोला बस वही बट इनकम का डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव इट्स इंक्लूसिव इतना इतना तो है इन जनरल पार्लेंस भी जो इनकम का मतलब होता है वो भी इनकम माना जाता है दस बारह पॉइंट याद करना फॉर द थ्योरी थिंग रीडिंग बोले थे हम एक तीन चार पेज प्रीवियस ईयर टेरिटरी ऑफ इंडिया असेसमेंट ईयर असेसमेंट हमेशा फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस का फर्स्ट अप्रैल, लेकिन न्यू बिजनेस का अलग हो सकता है ठीक है बारह बारह महीना का है अनडिस में छः पार्ट था इसमें क्या फॉलो होता है सेक्शन 115 बीबीई, और उसके बाद जनरल जनरल रूल क्या बोलता है प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स लगे असेसमेंट में बट देर आर फाइव एक्सेप्शन्स चार्जिंग सेक्शन क्या सेक्शन फोर वो तो हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे एवरी पर्सन हुनिंग इनकम इन द प्रीवियस टू पे टैक्स इन द असमेंट इयर और फिनेंस सेट कौन सा वाला फॉलो होगा प्रैक्टिकल लाइफ में ट्वेंटी थ्री बट एडुकेशन लाइफ में ट्वेंटी टू ठीक है यहाँ तक ये सर शेयर दी डी एफ